दरोगा की संदिग्ध मौत, हड़कंप। पीटीसी में ट्रेनिंग कर रहे एक दरोगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से कैंपस में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने मामले की सूचना परिजनों को देकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीटीसी के अधिकारियों के मुताबिक दरोगा की हार्ट अटैक आने से हो गई है मौत। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का है, जहां दरोगा देवेंद्र सिंह तोमर सीतापुर में ट्रेनिंग के लिए आए थे। पुलिस के मुताबिक दरोगा को आज सुबह अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिससे परिणाम स्वरूप परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों ने देवेंद्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी कुछ ही मिनटों में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले की सूचना परिजनों को देकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस और परिजनों का कहना है कि मामले की अधिक जानकारी के लिए सबको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर जिला ब्यूरो, शिव नरेश पांडे की खास रिपोर्ट। ये पुलिस सेंटर से पापा हमारे प्रमोशन हुआ था, तो उसकी 45 डेज की ट्रेनिंग होती है, तो वही यहाँ सीतापुर में चल रही है और झांसी पोस्टिंग सीखी बाजार। सुबह हमारे पास फ़ोन पहुंचा कि सीने में पेन वगैरह हो रहा है, मुझे आने के लिए बोला गया और भी साथी लोग जो थे एम्बुलेंस से यहाँ लाए। यहाँ से शायद 4 या 5 मिनट उपचार भी चला, हार्ट अटैक की रैंकर सब इंस्पेक्टर श्री देवेंद्र तोमर हैं और उनकी डेथ हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए हम लोग यहाँ आए, वो ट्रेनिंग कर रहे थे, अचानक बताया गया हार्ट अटैक या कोई और प्रॉब्लम है जिससे उनकी डेथ हुई है। कोई अन्यथा बात नहीं, संदिग्ध बात नहीं है, जो कुछ है बाकी अगर तो पोस्टमार्टम ठीक। दिन भर की लेटेस्ट जानकारी के लिए, अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए अखंड न्यूज़।